आज जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो मैं किसी पुस्तक के आधार पर नहीं कह रही हूँ, बल्कि जो इस विषय में मेरे विचार हैं, जहाँ तक इस ज्ञान के आधार पर मैं किसी निष्कर्ष पे पहुँच पाई हूँ उसके आधार पर मैं आपसे कुछ कहने जा रही हूँ। और आज जो मैं आपसे बात कह रही हूँ हो सकता है वो आपको सही ना लगे, क्योंकि वो उन धारणाओं के विपरीत है जो आज तक कई वर्षों से हमें बताई गई हैं, उनके विपरीत मैं कुछ कहने जा रही हूँ। और ये पूरी तरह से मेरे विचार हैं, मेरा निष्कर्ष है, ये किसी पुस्तक पर आधारित नहीं है। सबसे पहले मैं पाथ ऑफ हैप्पीनेस चैनल पर सपनों से रिलेटेड जो सीरीज इस समय चल रही है उससे रिलेटेड एक बात कहना चाहूँगी कि कई बार हम लोगों को स्वर्गीय प्रियजनों के संबंध में यदि कोई बहुत सकारात्मक स्वप्न नहीं आता है तो हम चिंतित हो जाते हैं कि इस स्वप्न का क्या मीनिंग था। जबकि हकीकत में यदि आप कोई गलत स्वप्न देख रहे हैं, अपने स्वर्गीय प्रियजन को आप बहुत सकारात्मक रूप से नहीं देख रहे हैं स्वप्न में, तो अधिकतर 99% मामलों में इसकी वजह स्वयं आपकी भावनाएं होती हैं। ये आपको आपके स्वर्गीय प्रियजन द्वारा दिए जाने वाला मैसेज नहीं होता। और यही एक बात सिगमंड फ्रायड ने भी एक बार एक लाइन में कही थी कि अधिकतर ये स्वप्न जो होते हैं, जैसे कि कई बार जब हमारे प्रियजन चले जाते हैं तो हम एक भाव में होते हैं कि शायद हम उनका सही से इलाज नहीं कराया, या यदि हम इस तरीके से उनका इलाज कराते, ये उनकी इच्छा थी उसे पूरी करते, उनके साथ थोड़ा सा अधिक समय व्यतीत करते, उनकी थोड़ी अधिक देखभाल करते तो अच्छा होता। इस तरह के जो गिल्ट भाव हमारे मन में होते हैं, जो कि अक्सर कई बार जब प्रियजन चले जाते हैं तो हमारे मनों में होते हैं कि हमने उनकी अच्छी तरह से सेवा नहीं करी या जो हम कर सकते थे नहीं किया। दिन भर में जो आपके इस प्रकार के विचार चलते हैं वही रात को आपको स्वप्न के माध्यम से अलग अलग रूपों में प्रदर्शित होते हैं। और ये आपके स्वर्गीय प्रियजनों द्वारा दिए जाने वाले मैसेज नहीं होते, ये आपके चेतन मन की भावनाएं एक रूप में प्रदर्शित हो रही हैं। ये उसका एक रूप होता है, ना कि आपके स्वर्गीय प्रियजनों द्वारा दिए जाने वाला कोई मैसेज। इसलिए बहुत अधिक इस विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई इस तरह का गलत विचार आ रहा है तो आपको बहुत अधिक इस विषय में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत संभव है, बहुत अधिकतर केसेस में ये आप अपने विचारों को चेक कीजिएगा कि आप दिन भर में किस प्रकार से सोच रहे हैं, ये उनका प्रतिबिंब है। अब इसी तरह से मेरी जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने स्टेनली, फ्रांसिसी और जूली नाम की तीन लड़कियों के केस का जिक्र किया था, और मैंने बताया था कि किस प्रकार, जैसे कि हमारे मन में ये भाव होता है कि जो स्वर्गीय व्यक्ति चला गया है उसकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, वो ये कार्य करना चाहता था, ये कार्य नहीं हो सका, तो यदि उसकी इस वजह से उसकी आत्मा तृप्त होगी। या जैसे कि स्टेनली के केस में था, स्टेनली एक बहुत ही ईर्ष्यालु किस्म की लड़की थी, और फ्रांसिसी और जूली का वो कई मामलों में उससे मृत्यु से काफ़ी कई महीनों पहले ही उसने उनसे दोस्ती अपनी तोड़ ली थी, और बड़ा रूडली बिहेव किया था उसने फ्रांसिसी और जूली के साथ, जो कि उसकी बहुत सच्ची सहेलियाँ थीं। तो स्टेनली ने मृत्यु के बाद किस प्रकार से उनसे माफ़ी मांग ली, मैंने उस केस का जिक्र अपनी पिछली वीडियो में किया था। तो जब मैंने ये बात बोली कि जो आत्मा उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती तो वो अतृप्त है, इस प्रकार से आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, तो वो मैंने क्यों बोली थी, उसके पीछे एक वजह थी। ये बात मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि जो भौतिक शरीर में जो व्यक्ति है तब उसकी जो इच्छाएं हैं, आत्मा लोक को ना जानते हुए हैं, परमात्मा के अस्तित्व को ना जानते हुए हैं, अपने कार्मिक अकाउंट्स को ना जानते हुए हैं, अपनी ऊर्जा को ना जानते हुए हैं, इसलिए वो बिल्कुल अलग है। और मृत्यु के बाद उसकी विचारधारा, उसकी सोच, उसका जो नज़रिया है वो टोटली डिफरेंट है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो ये सवाल आया भी था मेरी लास्ट वीडियो के में कमेंट में, ये सवाल आया भी था
आत्माएं तृप्त तो होती है, तभी तो हम इस तरह के केस सुनते हैं जिसमें पुनर्जन्म लिया और पुनर्जन्म लेके बदला लिया। तो यहाँ पे एक चीज को समझिएगा कि सही है कि जब आत्मा धरती पर आएगी तो उसके जो कार्मिक अकाउंट्स, पुराने संस्कार हैं, वो खुलेंगे, वो रीओपन तो होंगे। जब उसने नया बर्थ लिया है तब रीओपन होंगे। लेकिन जब वो आत्मा लोक में है तब वो उसके साथ नहीं है, तब वो संस्कार उसके साथ नहीं है, तब वो भाव उसके साथ नहीं है। वो तो उसे तब प्राप्त होते हैं जब वो नया शरीर लेने का फैसला लेती है। इसलिए ये जो बात आपके मन में है कि आत्मा तृप्त होगी, नहीं, आत्मा जब आत्मा लोक में अपने मार्गदर्शक का हाथ थाम लेगी, आत्मा लोक की ओर प्रस्थान कर देगी, तो वो बिल्कुल भी अतृप्त नहीं है। यहीं पर हमारे नजरिए का फर्क है। हम आत्माओं को ऐसे देखते हैं जैसे हम, अब हम लोग तो ऐसे हैं कि हम तो भगवान को भी ऐसे देखते हैं जैसे हम, जैसे एक मनुष्य होता है ना। हम लोग किस तरह के इंसान हैं? हमें कोई रिश्वत ऑफर करता है तो हम उस रिश्वत को एक्सेप्ट करके उसका काम कर देते हैं। यदि आप इस तरह के इंसान हैं तो आप भगवान को भी उसी नज़र से देखते हैं। आपको लगता है मैं मंदिर में जाके इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा तो मेरा ये वाला काम हो जाएगा, ऐसे जैसे आप भगवान को रिश्वत दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप खुद रिश्वतखोर किस्म के इंसान हैं, इसलिए आपको लगता है भगवान भी रिश्वतखोर है। अब यहाँ पे इसी तरह से, क्योंकि आप भौतिक जगत में हैं, क्योंकि आपको भौतिक इच्छाएं हैं, तो आपको लगता है आपके स्वर्गीय प्रियजनों के साथ भी वो हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब आपने देखा होगा कि कई बार व्यक्ति नाक रगड़ते हुए किसी मंदिर गुरुद्वारे तक जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर यदि ऐसा भाव है, किसी को पनिश करने का भाव, किसी ने गलत कार्य किया है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, मिलनी चाहिए, तो वो इस तरह के भाव के व्यक्ति हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद परमात्मा को भी यही लगता है। हमने यदि कुछ गलत किया है तो अब हम यदि नाक रगड़ते हुए जमीन पर लेटते हुए प्रभु के पास जाएंगे तो वो एक तरह से अपने आप को पनिश करके अपने कर्मों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी हम जैसे हैं हम वैसे ही परमात्मा को देखने की अपना नजरिया रखते हैं, जबकि परमात्मा ऐसे नहीं है। वो प्यार का सागर है। ये सब जो परिस्थितियां आपके जीवन में हैं, ये आपको आपके अंतिम लक्ष्य प्रेम तक पहुंचाने के लिए हैं। उस प्रेम के सागर को आपसे रिश्वत नहीं चाहिए। आप प्यार करना सीख लें, उसने आपको पनिश नहीं करना है। और ये जो केसेस अभी लास्ट कमेंट में वीडियो के नीचे जो कमेंट आया था कि आपने जो पुनर्जन्म लेते हैं और पुनर्जन्म के बाद नेक्स्ट बर्थ में आकर जो बताते हैं कि किस प्रकार से उनकी हत्या हुई और इस तरह से केस रीओपन होते हैं, तो ये आत्मा अतृप्त ही तो थी, तभी तो उसने पुनर्जन्म लिया और अपने केस के विषय में बताया। तो ऐसा नहीं है। ये कुछ व्यक्तियों को जिनको अपने पूर्व जन्म याद रहे हैं, ये भी मैं मानती हूँ, ये मेरे विचार हैं कि प्रकृति का कि मृत्यु के बाद भी कुछ अस्तित्व है, एक दुनिया जीवित है मृत्यु के बाद भी, उस जीवित दुनिया का आभास आपको देने के लिए कभी कभी इस तरह के केसेस करती है ये प्रकृति, इसलिए करती है। यदि इस तरह के केसेस नहीं होंगे तो आप सत्य तक कभी खोजबीन करेंगे ही नहीं, आप सत्य तक कभी पहुँचेंगे ही नहीं। जब आपके पास इस तरह की कोई घटना आपको सुनने को मिलती है, उसके बाद ही तो आपके मन में अच्छा शायद पुनर्जन्म होता है ये सवाल आता है, अन्यथा आता ही कहाँ है। ये सवाल आपके मन में तभी तो पैदा होता है, तभी तो आप एक खोजबीन की तरफ बढ़ते हैं कि अच्छा इस प्रकार से कार्मिक अकाउंट क्लियर होते हैं, उसका पुनर्जन्म हुआ, उसने उस घटना के विषय में बताया, इसी परिस्थिति ने तो आपके मन में ये भाव पैदा किया। तो ये भी प्रकृति का, मेरे विचारों के अनुरूप ये भी प्रकृति का एक, ये भी उसका एक खेल है कि वो उस दुनिया के विषय में यदि बताना चाह रही है, आत्मा के मृत्यु के बाद भी अस्तित्व है उसके विषय में यदि बताना चाह रही है, तो ये उसका एक तरीका है, ना कि ये कि वो आत्मा अतृप्त थी इसलिए उसने ऐसा किया। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसी तरह से मैं एक बात और कहना चाहूंगी, ये भी किसी पुस्तक के आधार पर मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरा स्वयं का निकाला हुआ निष्कर्ष है। मैं उसके आधार पर कहना चाह रही हूँ कि मैंने ये देखा है कि जो आत्माएं आत्महत्या के बाद मृत्यु को प्राप्त होती हैं, उनके विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि वो भटकती हैं और बहुत कुछ है।
जहाँ तक मैं निष्कर्ष पे पहुँची हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मृत्यु की 3 तारीखें होती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु की पहली तारीख पार कर चुका है और उसके बाद यदि वो सुसाइड करता है, तो वो आत्मा अधिक समय तक नहीं भटकती है। क्यों? या ये कहिए कि भटकती ही नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसका लगभग जो जीवन चक्र था, वो लगभग वो अपनी डेट को भी क्रॉस कर चुकी है, जो उसकी मृत्यु की पहली तारीख थी उसको भी क्रॉस कर चुकी है। तो उसके बाद यदि मृत्यु होती है, तो आत्मा बहुत जल्दी सामान्य स्थिति में अपने आत्मा लोक में पहुंच जाती है। ये बात जेम्स वोंग की एक केस है, जिसको मैं कभी वीडियो में फिर लूंगी, आपको बताऊंगी, उसके आधार पर भी मैं कह सकती हूँ, और ये मेरा स्वयं का निष्कर्ष भी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आज जो भी बातें मैंने आपसे कही हैं, ये आपकी पुरानी अवधारणाएं जो इस विषय में बनी हुई हैं, उन धारणाओं से बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा रही है, जिसके लिए ये मेरे विचार है, मैं मानती हूँ कि मेरे मार्गदर्शक का मुझे बहुत बहुत हर सेकंड सहयोग रहा है। वो एक बहुत ही प्यारे गुरु हैं, जिन्होंने हर वक्त मेरा हाथ थामा हुआ है। लेकिन मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर हुए हैं और बिल्कुल अलग अंदाज में हुए हैं, पुरानी अवधारणाओं के बिल्कुल विपरीत हुए हैं। और जब कुछ कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली आपके जीवन में आपको क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर कौन से पंडित जी क्या कहते हैं, कौन सा धर्म क्या कहता है, कौन से मौलवी जी क्या कहते हैं, इन बातों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपके माइंड में वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारी बातें जो आपको बताई जा रही हैं, बहुत सटीक और बहुत पॉइंट की तर्कपूर्ण बातों के साथ, एक एहसास के साथ क्लियर हो जाती हैं। जब भी आपके मार्गदर्शक आपको गाइडेंस देंगे, तो वो हर बात जहां पर आज आप उलझे हुए हैं, ऐसी ही सुलझेगी, बहुत सटीक सुलझेगी, तर्कपूर्ण सुलझेगी, ऐसे सुलझेगी कि आप फिर उसके साथ खड़े रहेंगे, फिर आप अडिग नहीं हो पाएंगे, अडिग रहेंगे, अपनी बातों से डिगेंगे नहीं, उनसे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट एक नए विचार और नए बिंदु के साथ आपके माइंड में क्लियर होंगे। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ, वो मैं किसी पुस्तक के आधार पर नहीं कह रही हूँ, बल्कि जो इस विषय में मेरे विचार हैं, जहाँ तक इस ज्ञान के आधार पर मैं किसी निष्कर्ष पे पहुँच पाई हूँ, उसके आधार पर मैं आपसे कुछ कहने जा रही हूँ।